मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। शो कहो कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस अपना ब्लॉगिंग मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो यहाँ मैं धो रही हूँ पूजा का जो बर्तन है ना, वो सब पूजा का बर्तन धो के पूजा करके ब्रेकफास्ट करके उसके बाद लग जाऊंगी मैं उसको ना लेमन से वॉश करना पड़ेगा। दीपावली का तो उस दिन मुझे हस्बैंड सरप्राइज गिफ्ट दिए थे, उस दिन था धनतेरस। तो मैं आज आप लोगों के साथ वो सरप्राइज गिफ्ट शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और पूजा करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद काम में डट जाना है क्योंकि बहुत सारे काम है यार। और हाँ, आप लोगों से जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो, जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे, अगर मेरी ब्लॉग थोड़ी सी पसंद आए या हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और साइड में जो दिया हुआ बेल आइकन है ना उसको प्रेस करके रखना ताकि फ्यूचर में जितना वीडियो अपलोड करना उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मोबाइल ये मुझे मिला है हस्बैंड की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट। तो चलिए देखते हैं किस कलर का है, क्या है, कैसे आप लोगों के साथ ही मैं शेयर करूंगी और इसका अनबॉक्सिंग भी आप लोगों के साथ ही करूंगी। तो ये रहा मेरा सरप्राइज गिफ्ट जो मुझे मेरे हस्बैंड दिए हैं, जो आप लोगों के साथ मैं उस दिन शेयर नहीं कर पाई तो आज शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी बिजी थी, पार्टी में चली गई थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रही हूँ। ये है वन प्लस नाइन प्रो 5G मोबाइल जो मेरे लिए है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको ओपन करने के लिए। चलिए ओपन करते हैं इसको, एक हाथ से तो होगा नहीं, तो मैं मोबाइल को स्टैंड में लगाती हूँ, फिर इसको ओपन करती हूँ और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करने जा रही हूँ इसका अनबॉक्सिंग। कुलजा सिम सिम यार, इसको खोलने में ना बहुत टाइम। निकल जाए यार, ये देखिए और ये इस कलर में है, काफी अच्छा लग रहा है ना ये कलर। तो आज से मैं ये मोबाइल यूज करूंगी। चलिए इसको तो रख देते हैं ये सब, और इसके अंदर मुझे क्या सब मिलता है मैं ये भी दिखाती हूँ आप लोगों को। इसके अंदर वही होगा चार्जर, और क्या होगा, चार्जर है इसके अंदर भी कुछ है क्या। अच्छा एक कवर भी इसके साथ मिला है ये। अरे यार ये कवर कौन यूज करता है। एक कवर ये मिलता है, ये कौन यूज करेगा पता नहीं, मैं तो नहीं करने वाली हूँ। और क्या है इसके अंदर, इसके अंदर कुछ पेपर मिले हैं हमें, और मिला है ये पिन, ये और मिला है मुझे ये केबल वायर चार्जिंग के लिए, और ये है मेरा चार्जर। तो इसके अंदर तो अब कुछ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए इस सबको मैं रख देती हूँ क्योंकि ये सब मुझे यूज करना है नहीं, जो यूज करना है वो मेन ये है।
गाइज आज से मैं ये मोबाइल यूज करूंगी, और ऐसा सरप्राइज गिफ्ट हमेशा हस्बैंड देते रहे। ये रहा मेरा सरप्राइज गिफ्ट, सेटिंग करना आपका काम है। तो आप लोगों को इसका कलर कैसा लगा बताइएगा, मुझे तो बड़ा प्यारा लगा, क्योंकि मैं मतलब मेरा मुझे तो अच्छा लगेगा, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। OnePlus 9 Pro, अब काफी एक्साइटेड हूँ इसको चलाने के लिए मैं। अब इसका सेटिंग हस्बैंड करेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अब करूँगी थोड़ा दूसरा काम, और जब सेटिंग हो जाएगा तब मेरे हाथ में आ जाएगा। तो ये रहा चार्जर और ये रहा मोबाइल, आप लोग कैसा लगाना इसका कलर बताइएगा जरूर। मैं सोची थी कि जब आप लोगों के साथ मैं इसका अनबॉक्सिंग करूंगी ना, तभी मैं देखूंगी, वरना मैं नहीं देखने वाली। और आज फाइनली मुझे टाइम मिला है इसका अनबॉक्सिंग करने का, तो मम्मी को भी दिखाती हूँ, मम्मी बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए। और टेस्ट को मैं रख देती हूँ, उन्हें तो साथ के साथ अगर नहीं खत्म कर दूंगी ना तो ऐसे ही फैला रहेगा। इसको मैं रख देती हूँ, ये तो चाहिए मुझे, कवर नहीं ये चार्जर। काफी अच्छा लगा ना, मुझे जैसे बहुत एक्साइटेड थी अब खोलूंगी तब खोलूंगी, बट टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था, तो आज फाइनली मैं इसे ओपन कर दी। चलिए इस सबको ना साथ के साथ सबमिट कर दे रही। और मैं ना मोबाइल बहुत गिराती हूँ, तो ये भी ना गिरा दूँ, मुझे डर इस बात का है, क्योंकि मैं मोबाइल गिराती बहुत हूँ, मोबाइल तोड़ती बहुत हूँ, तो डर इस बात का है कि इसको भी मैं गिरा ना दूँ। ये सब बोला तो नहीं, सबका तो काम नहीं है कुछ, पेपर बस साथ के साथ काम खत्म कर दो, रख दो इसको, तेरा हो गया। मेरे तो हैबिट है जो कोई काम करो ना साथ के साथ उस काम को खत्म कर दो, तो वही साथ के साथ इस काम को भी खत्म कर देती हूँ, तो कचरा फैल जाएगा। तो इसको यूज करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ मैं, अभी करेंगे हस्बैंड बैठ के इसका सेटिंग और फिर करूंगी मैं इसको यूज। देखिए साथ के साथ काम खत्म करनी मेरी हैबिट, अच्छी हैबिट है। काफी हैप्पी हूँ मैं, हैप्पी क्योंकि आज से मुझे ये मोबाइल यूज करने को मिलेगा। पहले वाला मोबाइल मेरा बहुत अच्छा है, मैं बहुत हैप्पी थी उसके साथ, बट इसके साथ कुछ ज्यादा ही हैप्पी हो जाऊंगी मैं, और वहां मैं देख रही हूँ। चलिए अब इसको देती हूँ मैं सेटिंग के लिए, हस्बैंड करेंगे सेटिंग, तब तक मैं करूंगी दूसरा काम। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा सब मतलब मुझे जो हस्बैंड दिया है सरप्राइज गिफ्ट, आप लोगों को कैसा लगा बताइए कमेंट सेक्शन में, और ऐसा सरप्राइज गिफ्ट सबके हस्बैंड सबको दे। चलिए सब कुछ जगह पे रख देती हूँ, जो मेरी हैबिट है सब कुछ कुछ जगह पे लगाना, क्योंकि कचरा फैल जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। करेंगे दूसरा काम, तो इसको मैं रख दूंगी अभी फिलहाल, मैं यहाँ रख दूंगी इसको, अरे खुल जा भैया, अब जब आऊंगी तो जगह पे इसको लगा दूंगी। दिन करना है मोबाइल की सेटिंग, काम 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 नहीं है, और जब कुछ न्यू मिलता है ना तो काफी एक्साइटेड हम होते हैं, तो वही है आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मोबाइल को लेके। चलिए इसको करवाते हैं सेटिंग, करती नहीं करवाती हूँ सेटिंग इसका, और इसका सेटिंग कौन करेगा जो दिया है वो, ये देखो कौन करेगा ये सेटिंग करके और मुझे देंगे। अच्छा वो भी चाहिए, वो गॉड में वो रख दी सीट, हाँ आप वाला है दे दो आप वाला, बट कहाँ है ना, अच्छा इसमें है शायद, सिम कार्ड भी लगा देंगे, हाँ बाकी कर दीजिए, क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं है कि मेरा दोनों सिम कार्ड दूसरे मोबाइल में है, तो अभी मैं क्या बोलते हैं रिस्क देना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अभी जाना है मुझे बाहर, तो अभी मैं रिस्क देना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, तो अभी सब कुछ सेटिंग कर दीजिए, सिम कार्ड बाद में डाल देंगे। चलिए मैं दूसरा काम कर देती हूँ, फिर कुछ देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत एक्साइटेड हूँ, सरप्राइज गिफ्ट मिला है उसको देखने के लिए, तो उसको देख देती हूँ थोड़ा सा क्या कैसे सेटिंग है देख देती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ मैं बातें करूँगी।
सो गाइज मैं आ गई हूँ दूसरा काम करने के लिए, और मुझे करनी है थोड़ी सी क्या वार्डरोब के अरेंजमेंट, क्योंकि दीपावली में ना इस बार साफ सफाई हुई, बट ना वो जो कुछ हटाने वाले होते हैं ना, ओल्ड क्लॉथ्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं ना, मैं दे देती हूँ आंटी को या किसी को बांट देती हूँ, तो वो सब हटाना है मुझे। जितना भी वार्डरोब है वो सब खाली करना है, इस सबको साफ करके रखना है। तो क्लीन तो था ही, बट अंदर नहीं रखी थी क्योंकि ना मेरे पास एकदम ही टाइम नहीं था। इस बार तो दीपावली कैसा गया ना, मैं सब बता ही नहीं सकती हूँ, ना पूजा हुआ ना कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही निकल गया दीपावली। तो बस इस सबको जितना भी वार्डरोब अपने कचरे पड़े हुए हैं ना, इस सबको मैं क्लीन करवा दी थी आंटी से, बट ये जो कचरा था ना उसको नहीं निकलवाई थी, कि मैं खुद ही जब टाइम मिलेगा तो बैठ के आराम से इस सबको निकलवाऊंगी। तो अभी जितने भी कपड़े हैं ना सबको छांट के अलग करके, और उसके बाद आंटी को डोनेट कर देना है, आंटी का खुद रखे या किसी और को दो, वो आंटी जानेगी। तो चलिए ये सब जितना भी है ना इस सबको मैं निकाल देती हूँ, बहुत सारा इसमें पड़ा हुआ है, ये नीचे वाला जितना भी है ना वार्डरोब का नीचे जो खाना है ना उसमें सब देने वाला क्लॉथ्स है ये, तो इस सबको सबको निकाल के अरेंज करके मैं आंटी को दे दूंगी। तो चलिए मैं काम करती हूँ, उसके बाद फिर बातें करती हूँ आप लोगों से। सो गाइज इस बार का मैं दीपावली ब्लॉग भी आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि आप लोग पूछोगे और पूजा क्यों नहीं हुआ ये भी पूछोगे। तो पूजा इसलिए नहीं हुआ कि मेरे ससुराल के साइड में ना एक बेबी बॉर्न हुआ है, तो जो न्यू बेबी बॉर्न होता है ना तो 9 डेज पूजा नहीं करते हैं, तो बस इसीलिए हमारा दीपावली इस बार सब चला गया। यार मुझे तो पता भी नहीं था, तो मैं तो सब कुछ खरीद रही थी पूजा के लिए, बट पता चला कि बेबी होने वाला है और सब मेरा ऐसे ही पड़ा रह गया, ना पूजा हुआ ना कुछ भी नहीं हुआ। तो पूजा तो थोड़ा बहुत जो होता है ना, तो अभी भी मैं दिया दिखाती हूँ, बस जो जल फूल ये सब होता है ना वो सब नहीं चढ़ता है, तो 9 डेज बाद ही कुछ पूजा होगा। तो थोड़ा बहुत पूजा जो होता है ना नीचे का पूजा मम्मी दिया वो दिखा दी थी, और मैं तो कुछ भी नहीं करती क्योंकि ससुराल के साइड में हुआ है, तो कुछ मैं तो अभी नहीं कर पाऊंगी। तो बस इसीलिए हमारे यहाँ इस बार दीपावली नहीं हुआ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग भी शेयर नहीं कर पाई। तो चलिए मेरा किचन क्लीन हो गया है, सब काम मैं कर दी हूँ, और जितने सारे कपड़े थे डोनेट करने के लिए उसको मैं इकट्ठा करके रख दी हूँ, अभी आएगी जब आंटी बर्तन धोने के लिए तो मैं सब आंटी को दे दूंगी। तो चलिए 4 बज गया है, टी टाइम हो गया है हमारा, तो मैं फटाफट किचन क्लीन करूँ इसीलिए, क्योंकि किचन ऐसे में छोड़ के चली गई थी। तो किचन क्लीन करी हूँ क्योंकि चाय बिना क्लीन करे मैं नहीं बना सकती, तो मैं किचन क्लीन कर दी हूँ, अब मैं बनाऊंगी चाय, और इस ब्लॉग को मैं अब यही एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ आप लोग अपने नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।